आज मैं बनाऊंगी मसालेदार करेले की सब्जी जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ सुनल, आपका स्वागत है मेरी किचन में। मैंने यहाँ पर करेले लिए हैं, आधे किलो करेले हैं। इनको अच्छे से धोकर और मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। इनके साइडों को हमने निकाल दिया है और सभी करेलों को हमने राउंड शेप में काट लिया है। काटने के बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। अब सभी करेलों को हल्दी और नमक से अच्छे तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे करेले से कड़वाहट पूरी तरह से निकल जाए। तो हम दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र करेंगे और ढककर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी ना हो तो 2 घंटे के लिए, और अगर जल्दी हो तो आप 1 से 1.5 घंटे भी रख सकते हैं। तो देखिए, करेलों से ना पानी रिलीज़ हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए ना करेलों को रखा था, तो इस करेलों में से अच्छा खासा पानी निकल रहा है। लेकिन हम इन करेलों को धोएंगे नहीं। करेलों को निचोड़ने के बाद जो भी इसका पानी बचता है वो आप किसी सब्जी में या आटा मारने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सब्जी बनाने के बाद मैं जब आटा मारूंगी तो इसका यूज़ कर लूँगी, फेंकूँगी नहीं। अब सभी करेलों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, इसमें आधा चम्मच दरदरा कुटा हुआ जीरा पाउडर लिया है, इसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 1 बड़ा चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ ली है। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप कुकिंग में खाते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से करेलों में स्वाद बहुत अच्छे से आएगा। अब सभी मसालों को करेलों में मिलाते हुए अच्छे से तैयार करेंगे। इस तरह से आप एक बार ना करेले ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर इस तरह का बीज अगर आपका करेलों में है तो वो कच्चा है, आप उसे फेंके नहीं, या अगर आपको पसंद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। करेले हमारे मसाले लगाने के बाद तैयार हो गए हैं। अब हम चलिए गैस ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और 2 बड़े चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें हमने जीरा, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच मस्टर्ड सीड और आधा चम्मच हमने इसमें मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच हमने इसमें सौंफ लिया है और आधी चम्मच इसमें हमने कलौंजी लिए है। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम करेलों को इसमें डाल देंगे। करेले को डालने के बाद हम इसे कुछ सेकंडों के लिए लगातार चलाएंगे। करेलों को इस तरह से लगातार चलाने से करेले नीचे नहीं लगते। अब हम इन्हें ढककर पकाएंगे। तो हम इन्हें 7 से 8 मिनट के लिए ढक दिया है, जिससे करेले अच्छे से सीज जाएं। अब देखिए, करेले थोड़े से नरम हो गए हैं, लेकिन अभी हमें इन्हें और पकाना है। तो जब भी आप ढकें तो 2 से 3 मिनट के बाद इन्हें चेक करते रहें, जिससे करेले हमारे जले नहीं। अभी हम इन्हें थोड़े से और ढककर पकाएंगे, क्योंकि करेले अभी पूरी तरह से नरम नहीं हुए। तो फिर से मैंने 5 मिनट के लिए इन करेलों को ढक दिया है और 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया है कि करेले है ना नरम हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ है ना मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें है ना स्वाद अनुसार नमक लिया है। नमक का यूज़ हमने पहले भी किया था, इसलिए हम नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। नमक को मिलाने के बाद इन करेलों में से अलग ही है ना खुशबू आ रही है। और हमने इसमें है ना 4 हरी मिर्च ली हैं। अगर आपका मन हो तो ही आप हरी मिर्च डालें। हरी मिर्च डालने से हरी मिर्च भी नरम हो जाएंगी। और देखिए, मैंने फिर से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। 3 मिनट के बाद मैंने करेलों को चेक किया, करेले अब पूरी तरह से बन चुके हैं और जो मिर्च डाली थी वो भी है ना पक गई हैं। अब इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर डाला है। आमचूर पाउडर सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो उसे ज़रूर डालिए, अगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हींग स्टार्टिंग में नहीं डाली थी, इसलिए 1 से 2 इंच हींग को मैंने इसमें लास्ट में डाला है, जिससे हमारी हींग है ना
स्टार्टिंग में जले नहीं और उसका फ्लेवर लगातार बना रहे। पूरी सब्जी रेडी हो चुकी है, इसके बाद हम है ना कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया डालना से सब्जी दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। करेले की सब्जी आप ज़रूर बनाएं। ज़्यादातर घरों में छोटे बच्चे करेले नहीं खाते हैं, इसलिए आप इस तरह की सब्जी बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे और ये सब्जी बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने ऐसे आधा मिनट के लिए फिर से ढक दिया था, जिससे जो भी आमचूर और नमक डाला है वो अच्छे से करेलों में मिल जाए। अब इसमें मैंने सर्व करने के लिए थोड़ा सा धनिया और बचा था तो उसे भी काट के मैंने इसमें डाल दिया है। तो हमारी करेले की सब्जी पूरी तरह से बन चुकी है। ये सब्जी आप ज़रूर बनाएं और ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। जब भी दाल चावल बनाएं तो एक बार करेले की सब्जी ज़रूर बनाएं। ये पूड़ी पराठे रोटी सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब हम एक प्लेट में करेलों को सर्व करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, टेस्टी है और मज़ेदार है। बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी और बहुत ही है ना एंजॉय लेके आप इस सब्जी को है ना बनाएंगे। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।